तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हमारा जो रजिस्ट्रेशन की हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है उसका हम फर्दर पार्ट कवर करेंगे, जो सेक्शन हमारा 57 ऑनवर्ड्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहते हैं कि 3-4 दिन जो जे गैप रहा, हम लेक्चर अपलोड्स नहीं कर सके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, जो लेक्चर्स नहीं अपलोड हो सके उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और लेकिन आज से अपने जो लेक्चर्स होंगे वो रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्दर पार्ट है। हमने जो 56 तक अभी तक हमने कवर कर लिया है, तो आज हम जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन 57 ऑनवर्ड्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को है जो शेयर कर देना। एंड साथ में ही हमने जो टेलीग्राम हमारा ग्रुप है उसका आपको लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे भी ज्वाइन कर लाना। जितनी भी जो न्यू अपडेट्स रहती हैं एंड उसके साथ साथ जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सो उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पर जो है डिटेल्स मिल जाएंगी और आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे और जितनी भी हमारी अपडेट्स रहती हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का लेक्चर है। सो एज टू द प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग टू द रजिस्ट्रेशन। अब हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसके बारे में टाइम देख लिया, प्लेस देख लिया, देन उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसने पर्सन को अपीयर किया, एंड जो हमने सेक्शन 51 ऑनवर्ड्स किया उसमें हमने देखा कि कुछ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ हैं कि उन्हें बुक्स को मेंटेन करना है, उसके साथ साथ इंडेक्सेस जो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा प्रोवाइड्स किए गए हैं उसे मेंटेन करना है। अब जब ये सारी बातें हो गई तो अब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या करेगा, रजिस्ट्री करेगा, मीन्स एडमिट करेगा। उसे लगा कि जो चीज़ें उसने देखी थी एज़ पर लॉ, जो उसे प्रोसीजर था उसने प्रोसीजर को अडॉप्ट किया और उसे लगा कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को एडमिट करेगा। अब उसके बारे में बताया गया है कि कौन सी बुक्स में एंटर करना है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताएगा। सेक्शन 57 रजिस्ट्रिंग ऑफिसर टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ सर्टन बुक्स एंड इंडेक्सेस टू गिव सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एंट्रीज। मान लीजिए कल को किसी को उन बुक्स को इंस्पेक्शन करना है जो हमने बुक्स सेक्शन 51 में किया था, उन बुक्स को एक्सेप्शन करना है, तो वो बुक्स क्या होगी, अलाउ होगा, जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है वो अलाउ करेगा कि आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। जो जहाँ तक छोड़ते हैं द बुक्स नंबर्स 1 एंड 2 एंड द इंडेक्सेस रिलेटिंग टू बुक नंबर 1 शैल बी एट ऑल टाइम ऑफ ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन एम्प्लॉयड टू इंस्पेक्ट द सेम एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन जे सेक्शन 62 है। उसके बाद कॉपीज एंड एंट्रीज इन सच बुक्स शैल बी गिवन टू ऑल पर्सन्स अप्लाई सच कॉपीज, मीन्स कि जो भी पर्सन अप्लाई करेगा किसकी, बुक नंबर 1 है, बुक नंबर 2 है। अब बुक तो हमारे पास 5 बुक्स प्रोवाइड की गई है, लेकिन जहाँ पर जो इंस्पेक्शन है वो ओपन सिर्फ बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 2 की है। बुक नंबर 1 में क्या था कि जितने भी हमारे जो टेस्टामेंट्री नॉन टेस्टामेंट्री जो डॉक्यूमेंट्स है, सॉरी नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स आएगा, जितने भी नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जो रजिस्ट्री होगी वो बुक नंबर 1 में आएगा, ठीक है। वो बुक नंबर क्या है, 1 में आएगा। उसके बाद बुक नंबर 2 में क्या रहेगा, रीजंस। अगर मान लीजिए किसी के जो रजिस्ट्रेशन है उसे रिफ्यूज़ किया गया, उसका क्या रीजंस दिया उसके बारे में बताया होगा, और वो ओल्ड टाइम इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा। बुक नंबर 3 थी विल के रिगार्डिंग। अब विल के रिगार्डिंग आप किसी को इंस्पेक्शन करने नहीं दे सकते, क्योंकि विल कब एग्जीक्यूट होती है, जब डेथ होती है पर्सन की। बुक नंबर 4 में मिसलिनियस पार्ट रहता है एंड बुक नंबर 5 में डिपॉजिट्स ऑफ बिल है। इसलिए जो बुक नंबर 1 है एंड बुक नंबर 2 है, ओनली 2 बुक्स ऐसी हैं जो क्या है, ओपन है टू इंस्पेक्शन, आप अप्लाई कर सकते हो और आप क्या है उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हो, इसलिए जो है बाकी जहाँ पर नहीं है। अब जो बुक नंबर 3 है उसके बारे में बताया गया है, जो बुक नंबर 3 है सब्जेक्टिव प्रोविजंस कॉपीज ऑफ एंट्रीज इन बुक नंबर 3 एंड इन द इंडेक्स रिलेटिंग टू डेयर शैल गिवन टू पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट। विल के रिगार्डिंग सिर्फ वो ही पर्सन कर सकता है जिसने, जो पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट, जिसने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है,
जैसे आपने जो फर्स्ट क्लॉज है इसमें क्या था, बाय एनी पर्सन, बुक नंबर वन एंड बुक नंबर टू को कोई भी पर्सन इंस्पेक्शन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है ही, जो बुक नंबर वन है उसे कोई भी अप्लाई कर सकता है इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन जो बुक नंबर थ्री है विल के रिगार्डिंग है उसके लिए कौन कर सकता है, जिसने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट्स, सो टू विच सच एंट्रीज लेट एंड देयर एजेंट्स, जो भी उसका एजेंट्स होगा, एंड आफ्टर डेथ एग्जीक्यूट्स बट नॉट बिफोर, जहां पर स्पेसिफिकली लिख दिया उससे पहले नहीं, टू एनी पर्सन अप्लाई फॉर सच कॉपीज, मीन्स कि जो भी उसका एजेंट होगा वो अप्लाई कर सकता है। देन उसके बाद बुक नंबर चार जो मिसलिनियस के साथ है, कॉपीज ऑफ एंट्रीज इन बुक नंबर फोर एंड इन द इंडेक्स रिलेटिंग डेयर टू शैल बी गिवन टू एनी पर्सन, ये भी किसी पर्सन को आप दे सकते हो, अप्लाई कर सकता है, एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द डॉक्यूमेंट्स टू विच सच एंट्रीज रिस्पेक्टिवली रेफर एंड एजेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव, द रिक्वायर्ड सर्च अंडर सेक्शन फॉर दिस फॉर एंट्रीज इन बुक नंबर थ्री एंड बुक नंबर फोर शैल बी मेड ओनली बाय द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर। सो जरूरी क्या है, जो बुक नंबर वन है बुक नंबर टू में उसमें सर्च कोई भी पर्सन कर सकता है, जो उसके ऑफिस का रजिस्ट्रिंग ऑफिसर का कोई ऑफिस मीन्स की जो भी उसका वर्कर है, कोई भी उसका क्लीग्स है उसके साथ काम कर रहा है वो सर्च कर सकता है, लेकिन जो बुक नंबर थ्री एंड बुक नंबर फोर है वो स्पेसिफिकली सर्च कौन करेगा, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर करेगा। उसके बाद ऑल कॉपीज गिवन टू दिस सेक्शन शैल बी साइन सील बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर एंड शैल बी, वो क्या होगी, वो एडमिसिबल मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग कॉन्टेंट्स ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मीन्स आप उसे एविडेंस में भी दे सकते हो, वो एविडेंस में भी क्या होगा, एडमिसिबल होगा। और इसी तरह से जब हमने सेक्शन 16A किया था जहाँ पर क्या है डिजिटल रिकॉर्ड्स आता है, वो भी क्या है, वो भी एडमिसिबल माना जाएगा, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है आपको जो सेक्शन 57 है वो समझ आया होगा। अब चलते हैं सेक्शन 58 के ऊपर, पर्टिकुलर्स टू बी एंडोर्स ऑन डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रिंग ऑफिसर ने एडमिट किया डॉक्यूमेंट को तो उसके ऊपर क्या एंडोर्स करना है, ऑन एवरी डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू द रजिस्ट्रेशन अदर देन कॉपी ऑफ मीन्स की जो कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर होगा उसके अलावा, कॉपी सेंट टू रजिस्ट्रिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 89 इसे छोड़कर, जहाँ से लेकर जहाँ तक ये छोड़कर, ऑन एवरी डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू द रजिस्ट्रेशन देयर शैल बी एंडोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉलोइंग द सिग्नेचर एंड एडिशंस। एडिशंस क्या है, जो हमने डेफिनेशन 2.1 में पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन of every person admitting the execution of document and if such execution has been admitted by the representative assignee or agent of any person the signature and addition of such representative, agar to wo khud execution jo persons hai wo aayega to uske description aayega uska address aayega signatures aayenge, agar jo execute document agent ne kiya hai representative ne kiya hai assignee ne kiya hai then fir uska aayega। द सिग्नेचर एंड एडिशन ऑफ एवरी पर्सन एग्जामिन इन रेफरेंस सच डॉक्यूमेंट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, जैसे हमने सेक्शन 36 ऑनवर्ड किया था कि विटनेसेस को भी अपीयर करना है उसके रिगार्डिंग उनका भी सिग्नेचर एंड एडिशंस होगा। उसके बाद आएगा एनी पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स मेड इन प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, आगे आएगा जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी। सो इन रेफरेंस टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एनी एडमिशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन इन होल और पार्ट मेड इन प्रेजेंस ऑफ रेफरेंस सच एग्जीक्यूशन, और इफ, अब सेकेंड पॉइंट है, इफ एनी पर्सन एडमिटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिफ्यूज टू एंडोर्स द सेम द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर शैल नेवर द लेस रजिस्टर्ड, बट जरूरी क्या है, शैल एट सेम टाइम एंडोर्स नॉट ऑफ सच रिफ्यूजल। अगर मान लीजिए कोई पर्सन डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूशन करने के लिए रिफ्यूज़ करता है तो फिर भी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर क्या है, रजिस्टर तो कर देगा लेकिन वहाँ पर वो एंडोर्स करेगा कि नोट ऑफ सच रिफ्यूज़ल कि इस पर्सन ने रिफ्यूज़ किया था, ठीक है। देन उसके बाद 59 आएगा, एंडोर्समेंट्स टू बी डेटेड साइन बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, मीन्स कि उसके ऊपर किस डेट को रजिस्ट्रेशन हुई है उसके ऊपर साइन करेगा और डेट पाएगा। द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर शैल फिक्स डेट सिग्नेचर्स एंड एंडोर्स अंडर सेक्शन 52, 58, जो 52 में टाइम्स एंड डेट्स बताया है, 58 जो हमने लास्ट अभी पढ़ा,
रिलेटिंग टू सच डॉक्यूमेंट एंड मेड इन प्रेजेंस सेम डे, मीन्स कि उसी दिन जिस दिन रजिस्ट्रेशन मेड हुई है। और इस बात का ध्यान रखना, समटाइम ये पूछ लेते हैं डायरेक्टली कौन सा सेक्शन है जहाँ पर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है जो डेट मेंशन करता है एंड साइन करता है, तो वो सेक्शन नंबर 59 है। सो इसलिए आप सेक्शन नंबर 59 को जरूर याद रखना कि इंडोर्समेंट्स करनी है डेट्स की एंड साइन की, कि रजिस्ट्रिंग ऑफिसर उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन की है उसके ऊपर साइन करेगा एंड डेट मेंशन करेगा। सो इस बात को ध्यान में रखना। एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 60 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर ने सर्टिफिकेट देना है रजिस्ट्रेशन का। आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34, 35, 58, 59, 34 में वो इंक्वायरी करेगा, 35 में वो एग्जीक्यूशन को एडमिट करते हैं, मीन्स कि आप साइन करते हैं, मानते हैं कि आपने इसको एग्जीक्यूट किया या डिनाइल। 58 जो हमने अभी पढ़ा है, 59 में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर साइन करेगा एंड उसके ऊपर क्या है, डेट पाएगा। एज पर अप्लाई टू एनी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट फॉर रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लाई विद द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर शैल एंडोर्स देयर सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट देगा जिसमें ये मेंशन करेगा रजिस्टर्ड। एंड समटाइम यही प्रीलिमिनरी में पूछ लिया जाता है कि कौन सा वर्ड है जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर मेंशन करेगा, उसमें आएगा रजिस्टर्ड, रजिस्टर, रजिस्टरिंग द डॉक्यूमेंट, ऐसे करके आपको 3-4 ऑप्शंस दे दिएंगे, ऐसे करकर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें लिखे जाएगा रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड द डॉक्यूमेंट, रजिस्टर, और एक उसमें डाल दिया जाएगा नन ऑफ अबव, कि इसमें कोई भी नहीं। तो इसलिए सेक्शन 59 सेक्शन नंबर जिसमें डेट एंड वो सिग्नेचर करेगा, सेक्शन 16 जिसमें वो सर्टिफिकेट देगा, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो वर्ड है रजिस्टर्ड, कि वो वर्ड कौन सा मेंशन करेगा वहाँ पर, रजिस्टर्ड वर्ड मेंशन करेगा, इस बात को ध्यान में रखना। सो टुगेदर विद द नंबर एंड पेज ऑफ द बुक इन विच डॉक्यूमेंट हैज़ बीन कॉपीड, ठीक है। आगे है सेक्शन 61, इंडोर्समेंट्स एंड सर्टिफिकेट टू बी कॉपीड एंड डॉक्यूमेंट रिटर्न, मीन्स कि अब क्या है, जो इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट है उसको कॉपी कराएगा एंड उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो वापस उस पर्सन को दे देगा, जिस तरह सेक्शन 21 में इंडोर्समेंट थी, डिस्क्रिप्शन थी, जैसे उसमें मैप था, प्लान्स था उसके बारे में। सो द इंडोर्समेंट्स एंड सर्टिफिकेट रेफर टू मैंशन सेक्शन 59-60 शैल देयर अपॉन बी कॉपीड इन टू द मार्जिन ऑफ द रजिस्टर बुक एंड द कॉपी ऑफ द मैप प्लान इफ एनी मैंशन सेक्शन 21 शैल बी फाइल्ड इन बुक नंबर 1 एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट शैल देयर अपॉन बी डीम्ड कम्प्लीट एंड द डॉक्यूमेंट शैल बी रिटर्न, मीन्स कि उसके बाद क्या है, शैल देन बी रिटर्न द पर्सन हु प्रेजेंट्स द सेम रजिस्ट्रेशन और सच पर्सन इफ सच अदर पर्सन, मीन्स कि जैसे उसका एजेंट है, असाइनी है उसके बारे में, एज ही नॉमिनेटेड इन राइटिंग एंड दैट बे हाफ ऑफ रिसिप्ट मैंशन सेक्शन 52, जिसमें वो टाइम आएगा कौन सा टाइम है, कौन सा डे है उसके बारे में। उसके बाद आगे है जे सेक्शन 90 के साथ भी चलता था, जे सेक्शन 90 के साथ भी हमने किया था कि अगर वहाँ पर क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट उस लैंग्वेज में आप प्रेजेंट कर रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए, जो लैंग्वेज वहाँ पर जहाँ तो यूज़ नहीं हो रही, जहाँ वो ऑफिसर को समझ नहीं आ रही, उसके रिगार्डिंग था, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। आगे है सेक्शन 63, पार्स टू एडमिनिस्टर ओस एंड रिकॉर्ड ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्टेटमेंट, एवरी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर मे एट हिज डिस्क्रिशन एडमिनिस्टर एन ओथ ऑफ एनी पर्सन एग्जामिन बाय हिम अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मीन्स कि उसे ओथ दिलाएगा, एंड एवरी सच ऑफिसर मे ऑल्सो एट हिज डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड ए नोट ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्टेटमेंट मेड बाई ईच सच पर्सन, मीन्स कि जो भी सब्सटेंस होगा उस स्टेटमेंट का वो रिकॉर्ड करेगा, एंड सच स्टेटमेंट शैल बी रेड ओवर, मीन्स कि उन्हें पढ़ के सुनाएगा, इफ मेड इन ए लैंग्वेज विद विच सच पर्सन इज नॉट एक्वेंटेड सो इंटरप्रेटेड टू हिम इन ए लैंग्वेज विद विच ही इज एक्वेंटेड एंड इफ ही एडमिट्स द करेक्टनेस ऑफ सच नोट एंड इट शैल बी साइन बाय द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, मीन्स कि जो उसने लिखा है उसको वो पढ़ के सुनाएगा कि आपने जे जे हमने लिखा है, अगर ठीक है तो वो उसके ऊपर साइन कर देगा। सो एवरी सच नोट सो साइन, जो भी साइन किया वो क्या होगा, एडमिजिबल, मीन्स कि वो आप एविडेंस में दे सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द स्टेटमेंट देयर इन रिकॉर्डेड वॉज मेड बाय द पर्सन, मीन्स कि जो भी उस स्टेटमेंट का कॉन्टेंट होगा वो एडमिजिबल होगा, आप उसे एविडेंस में क्या है प्रूव कर सकते हो, वो एडमिजिबल माना जाएगा।
तो देन उसके बाद सेक्शन 64 65 के जो कुछ स्पेशल ड्यूटीज़ हैं सब रजिस्ट्रार की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देन उसके बाद जो ड्यूटीज़ हैं, देन लास्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है, दैट इज़ अपील का, जिसमें समटाइम्स मेंस में शॉर्ट नोट्स में आ जाता है एंड इसके साथ साथ प्रीलिमिनरी में समटाइम पूछ लेते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपना फीडबैक जरूर देना, कमेंट जरूर करना एंड वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।